आपका क्वेश्चन है अ मोटर बोट हूज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू सेम स्पॉट फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कैसे दिया गया है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। इसने कहा मोटर बोट जिसकी स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर्स पर आवर। तो हम यहां पर लिख देते हैं गिवन में क्या क्या है हमारा स्पीड ऑफ मोटर बोट। ठीक है, कितना दिया गया है 18 किलोमीटर्स पर आवर, लेकिन स्पीड ऑफ मोटर बोट किसमें है इन स्टिल वाटर। इन स्टिल वाटर, ठीक है। नेक्स्ट और क्या दिया है इसमें डिस्टेंस दैट इज 24 किलोमीटर्स। डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू 24 किलोमीटर्स। ठीक है, अब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में क्या अंतर होता है, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम में क्या अंतर होता है। सपोज ये हमारा वेव है, ठीक है, एंड ये हमारा क्या है लेवल, ये लेवल है हमारा। ठीक है, अब सपोज ये स्ट्रीम की जगह पे एक हिल है, ये हिल है यहां से यहां तक। जब हम हिल के ऊपर जाते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी तो क्या होता है हमारा स्पीड या वॉक हमारा कैसा हो जाता है स्लो, है ना। तो जब हम ऊपर जाते हैं तो हमारा वॉक कैसा हो जाता है स्लो, और जब पीक पे पहुंच के हम वापिस आते हैं ग्राउंड की तरफ तो स्पीड हमारी क्या होती है हाई, है ना, टुवर्ड्स ग्रेविटी, तो स्पीड हमारी इंक्रीज हो जाएगी। सेम चीज अब हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं हमारा क्या आता है। तो सबसे पहले तो हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम एंड ये हो गया हमारा डाउनस्ट्रीम। ठीक है, नेक्स्ट अब ये क्या कह रहा है देखते हैं। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है, क्या है हमारा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, इस तरह से। ठीक है, सेम चीज हम सेकंड वाला यूज करेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड। तो अब स्ट्रीम में हमारा डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज कॉन्स्टेंट दैट इज 24, तो हमने लिख दिया यहां पर 24 बाई अपस्ट्रीम। मैंने कहा जब ऊपर जा रहे हैं तो हमारा स्पीड क्या होगी स्लो, तो हमारी जो स्टिल वाटर में जो स्पीड है दैट इज 18 किलोमीटर्स, जो नॉर्मल जा रहे थे हम कांस्टेंट उससे कम हो जाएगी, तो हमारा हो जाएगा 18 माइनस क्या स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, माइनस एक्स स्टिल वाटर से स्ट्रीम को कम हो जाएगी, है ना, ये आपको अपोज करेगी, जब ऊपर जाओगे तो अपोज करेगी वो। और डाउन स्ट्रीम में क्या होगा 24 डिस्टेंस इज सेम एंड 18 प्लस एक्स। ठीक है, दोनों टाइम है हमारे, दोनों को इक्वल करेंगे तो
तो लेकिन इसने एक चीज और कहा है, क्या कहा है, इट टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम। यहां पर इसने 1 घंटा ज्यादा लिया और यहां पर क्या हुआ, ये जो है सपोज यहां पर इसने 10 आवर्स लिए, यहां पर इसने 9 आवर्स लिए, दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमको +1 करना पड़ेगा, +1। अब दोनों हमारे इक्वल हो गए हैं, ठीक है। इसको इस साइड में लेकर आ जाते हैं, देखते हैं हमारा क्या आता है। हमारा आ जाएगा 24/18 -x - 24/18 +x = 1, ठीक है। दोनों का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 18 स्क्वायर कितना होता है हमारा, करके देखो, 18 × 18 324 टाइप आता है, 8 8 जा 64, 6 कैरी 8 1 जा 8 एंड 6 इज 14, नेक्स्ट 8 1 तो 324, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा क्या आ रहा है, नेक्स्ट एलसीएम हमारा आ रहा है 324 -x² है ना, ये माइनस बी ए प्लस बी है नीचे, तो सेम चीज आ गया। और ऊपर क्या आ गया आपका, 24 × 18 +x, 18 + x -24 × 18 -x = 1, ठीक है। अब ऊपर वाले को सब्स्टिट्यूट करो और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 की जगह पे लेकर आ जाओ, तो हमारा क्या आ जाएगा देखते हैं, 24 × 18 +24x -24 × 18 +24 = दिस, ये 324 -x² है, ऊपर चले जाएगा 324 -x², ठीक है। आगे हमारा आप देखोगे कि यहां पर ये प्लस है ये माइनस है, इट गेट कैंसल्ड, यहां 24x यहां पर, सॉरी ये भी 24x है, 24x है ये, है ना, तो 24x +24x इज 48x, 48x, और इनको लेफ्ट साइड में लिख रहा हो तो क्या हो जाएगा, +x² -324 = 0, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, आप अरेंज करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा x² +48x -324 = 0, ठीक है। अब 48 को स्प्लिट करेंगे किसके अंदर, 324 के फैक्टर्स के साथ, तो 324 के फैक्टर्स क्या होंगे हमारे वो हम देखते हैं, 324 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 1 6 2, नेक्स्ट 2 8 1 9 9, 3 3 3 and 3, ठीक है। तो आपका कितना आना चाहिए, 48, तो 48 आने के लिए हम क्या करेंगे, थ्री 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 27, 27 × 2, 27 × 2 कितना हो गया, 54, ठीक है, 54 and 6 तो -6 = 40, ठीक है। तो अब हम जब इसको स्प्लिट करेंगे तो हमारा कैसे आएगा, हमारा आ जाएगा x² +54x -6x -324 = 0, है ना,
ये दोनों के अंदर कॉमन क्या है, एक्स इज कॉमन, तो क्या आ गया हमारा एक्स प्लस 54 माइनस 6 इज कॉमन, तो एक्स प्लस 54 इज इक्वल टू 0, है ना। तो क्या क्या आ गया हमारा, एक्स प्लस 54 इज इक्वल टू 0 और दूसरा आ गया एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां तो अब हमारी वैल्यूज क्या आएगी इसकी, x प्लस 54 की क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस 54 और इसकी क्या आ जाएगी x माइनस 6 की, x इज इक्वल टू 6। आप देखोगे कि हमारा x क्या है, हमारा स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो ये हमारी स्पीड हमारी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए हम इसको एलिमिनेट करेंगे, बाकी बच जाएगा हमारा प्लस में, दैट इज 6। तो स्पीड किसमें होती है, उसका यूनिट क्या होता है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है।